पंजाब में बीएड की एडमिशन जो होने जा रही है उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभी तक यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली सिलेबस नहीं दिया, मैंने पिछले 8-10-15 साल के जो पेपर हैं, सिलेबस हैं, उनको एनालाइज किया है और ये स्पष्ट है कि मोस्ट प्रोबेबली यही सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस के 6 पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस कितने मार्क्स रहेंगे? 30 मार्क्स। 30 मार्क्स मीन एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। इसकी डिटेल नेक्स्ट बताता हूं। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग पोटेंशियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके बेस पर ही आपकी जो टीचिंग स्किल है, अच्छे टीचर बन सकते हो नहीं बन सकते हो, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट की जाती है। तो ये भी 30 मार्क्स का होगा एमसीक्यूज। नेक्स्ट मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग भी इसको बोलते हैं, 30 मार्क्स। इसकी डिटेल भी आगे चल के बताता हूं। देन अगला हाफ पार्ट जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 1, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 2 एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 3। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 1 में पंजाबी, अब रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग, ओके, इसके भी 30 मार्क्स होंगे एमसीक्यूज, और हिंदी के भी 30 मार्क्स, और ये इंग्लिश के भी 30 मार्क्स। तो ये टोटल हो गए, इट मींस 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यू। इनकी डिटेल देखने के लिए, फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस की डिवीजन आगे दी हुई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन, एजुकेशन के फॉर एग्जांपल एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन में चेंजेस क्या आए हैं, पॉलिसी है, 2020 है, ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कमीशंस बैठती हैं, जो पॉलिसीज हैं, नई पॉलिसी भी आ चुकी है उसमें से, इंडियन पॉलिटी पॉलिटिकल, ओके, इंडियन इकोनॉमी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के सबसे पहला नॉवल किसने लिखा, ये इस पर पुरस्कार किसको मिला, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस, सोशल साइंस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटिकल इधर कवर हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, नंबर सीरीज है, क्लासिफिकेशन है, एनालॉजीज है, सिनोनिम्स है, ऑपोजिट्स है, कोड डी कोड है, सीइंग रिलेशनशिप है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स एंड फिगर्स है, इवेल्युएशन एंड इन्फ्रेंसेज हैं। तो ये थोड़े थोड़े आगे चल के मैं वीडियो में डिस्कस भी करूंगा, आप हिंट ले सकते हो। टीचिंग पोटेंशियल, टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से होते हैं, नॉलेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, इट मीन्स फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, ये इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स एंड मास मीडिया, इसमें से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैल्यूज एज एनरिच्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनरल अवेयरनेस ऑफ नेशनल लेवल ऑफ एजुकेशनल एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल, पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, एनसीईटीई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ऐसे बॉडीज होती है नेशनल लेवल की एजुकेशनल, वो थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। टीचर्स पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एडजस्टमेंट, अच्छा टीचर क्या होता है, अच्छी टीचिंग की क्या क्वालिटी होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में थोड़े थोड़े हिंट दूंगा आपको। इतनी डिफिकल्ट कोई भी क्लासरूम प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स एंड देयर सॉल्यूशंस, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशंस विद स्टूडेंट्स, कोलीग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फीडबैक, पीयर फीडबैक, जब पीयर इवेल्युएशन, सेल्फ इवेल्युएशन, टीचर इवेल्युएशन, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है वो साथ साथ में करते रहेंगे। लाइब्रेरी यूज, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी में आपसे बुक निकालनी है तो कौन से रूल, इसमें से बेस्ट रूल कौन है, 4 रूल दिए होंगे उसमें से बेस्ट देखना है, ऐसे बुक्स को कैसे बेस्ट यूज किया जा सकता है, एक टीचर लाइब्रेरी में इंटरेस्ट कैसे पैदा किया कर सकता है, स्कूल सोसाइटी एंड फैमिली, स्कूल नॉर्मली कई तरह की कोटेशन भी पूछ ली जाती है, सोसाइटी और स्कूल का संबंध क्या है, फैमिली का रोल क्या है एजुकेशन में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में ग्रामर डोमिनेट करती है, ग्रामर रहेगी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आप देख सकते हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, इनके यूज दिए हुए, आपने 4 ऑप्शन है उसमें से राइट को ढूंढना है।
एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स वोकैबुलरी फ्रेजेस तो समानार्थी विपरीत अर्थी ऐसे जो शब्द हैं स्पेलिंग गलत हैं उसके देखने हैं सेंटेंस के देखने हैं फ्रेजेस के देखने हैं इम्प्रूवमेंट इन सेंटेंसेस या स्पेलिंग डिकोडिंग मिस स्पेल्ड वर्ड पंक्चुएशन कॉम्प्रिहेंशन। देखिए बेसिक फंडा जो है सारे एजुकेशन का टीचिंग पोटेंशियल का इवन जनरल अवेयरनेस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सेंट्रल आइडिया ये है कि सारा सिस्टम जो है आपके आंसर जो है चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए चाइल्ड होने चाहिए चाहे चिल्ड्रन हमारे पास हैं इनको प्यार करना है इनको डांटना नहीं है इनको नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने इनको अपॉर्चुनिटी देनी है इनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट करना है इनको एंजॉयबल लर्निंग करवानी है तो ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं इनकी प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज अटैच करनी है ये कुछ प्रिंसिपल हैं इनको ध्यान में रखोगे तो चाइल्ड सेंटर चाइल्ड को बेसिक मान के टीचर को नहीं बुक्स को नहीं हाँ चाइल्ड के आगे एक्सपीरियंस सेंटर भी हो सकता है तो इसको आप मद्देनजर रख के अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका जो है बेटर आंसर होंगे मेरे ख्याल में। अच्छा पंजाबी के भी ऐसे ही है मुहावरे अखान अगेतर पिछेतर बहुअर्थी शब्द समान अर्थी शब्द जो इंग्लिश में था लगभग जो लगभग इंग्लिश में था वही सब कुछ हिंदी और पंजाबी में भी है बहुते शब्दों की था एक शब्द वाक शब्द शुद्धि ग्राम चिन्ह शब्दों के वाकों को शुद्ध करके लिखना तो ये सब कुछ सेम है इसके रिगार्डिंग अगर आपने थोड़ी सी तैयारी करनी है तो थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी उसके लिए पिछले क्वेश्चन जो आ चुके हैं पिछले सालों में एंट्रेंस टेस्ट के वो सॉल्व करूंगा कुछ आपको कम से कम पढ़ के आपने एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो हिंट दूंगा अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो अपने क्वेश्चन में से कम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले जाने हैं वो टेक्निक्स होती हैं उसके लिए आपको लर्न टू एक्चुअलाइज ये वीडियो आगे देख सकते हैं। थैंक यू।